अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये तमाम मालूमात इंटरनेट और मेरी जाती तहकीक और मुताले पर मबनी है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आपको मशवरा है, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से पहले अपने तौर पर रिसर्च और मालूमात इकट्ठी कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपकी की गई किसी भी इन्वेस्टमेंट के नफा नुकसान चोरी वगैरह के जिम्मेदार नहीं होंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बनाई जा रही है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल बेस्ट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम सेफपाल वॉलेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं और सेफपाल वॉलेट में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम सेफपाल वॉलेट में मल्टीपल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है जैसा कि आप ये चाह रहे हैं कि आप मल्टीपल वॉलेट क्रिएट करें, एक वॉलेट में कुछ अमाउंट रखें, दूसरे वॉलेट में कुछ रखें, तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आने वाले टाइम में आप इजीली जो अपने वॉलेट को जो अपने मल्टीपल वॉलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करना है वीडियो के अंदर, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इफ़ यू नीड टू गेट सेम इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज दैन यू कैन ज्वाइन माई अदर चैनल क्रिप्टो वॉलेट्स इन्फो। अगर यही इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में चाहिए तो मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है क्रिप्टो वॉलेट्स इन्फो। ओके ओके, अब हम मल्टीपल वॉलेट क्रिएट करेंगे। मल्टीपल वॉलेट क्रिएट करने क्या करेंगे, हमने पहले से ही अपना जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई आपको मालूम है इस चीज़ का, हमने यहाँ से जाके इसको ओपन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर हमने पासवर्ड इंटर करना है। आपको मालूम है कि हमारा वॉलेट जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो हमें यहाँ पर अपना वॉलेट का पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। इंटर करेंगे देन ही हमारा जो है वॉलेट कनेक्ट हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर कर दिया, अब यहाँ पे सिंपल जाके हम अनलॉक पे क्लिक कर देंगे। ओके, अनलॉक पे क्लिक कर दिया हमने और हमारे पास यहाँ पे देखें काफ़ी सारे कॉइन पहले से ऐड हैं, लेकिन ये हमारा एक वॉलेट है। इस चीज़ को आपने ख्याल करना है, ये हमारा एक वॉलेट है। अगर यहाँ पे काफ़ी सारे कॉइन है, अगर हमने मल्टीपल वॉलेट यूज़ करने हैं तो हमने इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखें माय वॉलेट की ऑप्शन आ रही है, थ्री लाइंस नज़र आ रही हैं आपको। इन थ्री लाइंस के ऊपर आपने चुप करके जो है क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें क्या ऑप्शन आ रही है, माय वॉलेट, ओनली एक वॉलेट हमारे पास जो है वो चल रहा है। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल वॉलेट्स हों तो वो कैसे क्रिएट करना है, आपने बहुत ही है, यहाँ पे ऐड वॉलेट की ऑप्शन आ रही है नीचे देखें, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखें क्रिएट अ वॉलेट की ऑप्शन आ रही है, क्रिएट अ वॉलेट पे क्लिक कर देना। ओके, अब यहाँ पे देखें लिखा जनरेट एन मैनीफ्रेस, मैनीफ्रेस इज द मास्टर की टू योर वॉलेट, इट कैन बी यूज टू रिकवर योर वॉलेट ऑन एनी कंपेटेबल डिवाइसेज। ओके, दोज हु होल्ड इट कैन बी फुली कंट्रोल ऑफ दी वॉलेट, कह रहे हैं जो फ्रेसिस है जिसके पास वो कंट्रोल कर सकते हैं और आप इससे कंपेटेबल जो डिवाइसेस पे अपना वॉलेट जो है इम्पोर्ट या रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, सेफपाल विल नेवर एक्सेस स्टोर और आस्क फॉर योर न्यूमेरिक फ्रेसिस। ओके, ये चीज़ भी आपने खास ख्याल करना, को फ्रेसिस जो है उनके पास नहीं होते। आप कल को ये सोचेंगे यार मेरे फ्रेसिस गुम भी हो गए तो कोई बात नहीं है, मैं जो दोबारा उनको जो है उनसे कॉन्टैक्ट करके ले लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जनरेट पे कर क्लिक कर देना, यहाँ पे आपके फ्रेसिस आ गए, फ्रेसिस को हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने एक नोटपैड की फाइल ओपन कर लेनी। ओके, मैं नोटपैड की फाइल ओपन करता हूँ, नोटपैड की फाइल मैंने ओपन कर ली और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखें अब हमने फ्रेसिस यहाँ पे कर लिए हैं कॉपी और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने वेरीफाई करवाने हैं, क्लिक दी वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, जो हमने फ्रेसिस सेव किए हैं ज़ाहिर है वो सिस्टम हमसे पूछ रहा है कि आपने जो फ्रेसिस सेव किए हैं वो करेक्ट ऑर्डर में भी किए हैं या नहीं किए। अगर नहीं किए होंगे तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, हमारे पास हमने कॉपी पेस्ट किया तो हमारे पास पूरे फ्रेसिस है, तो हम वन बाय वन जाके इसको जो है सिलेक्ट कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने फ्रेसिस बिल्कुल ठीक किए हैं। ओके, यहाँ पे टू और ये अब नेक्स्ट थ्री को हम कर लेते हैं पूल प्लग इंक्वायरी और नेक्स्ट थ्री इनहांस टीयरविन, लास्ट आगे तीन ट्रक एलिमेंट और यहाँ पे देखे मैंने तीनों इंटर कर दिया और यहाँ से हमने वेरीफाई कर देना। जब आपने इसको वेरीफाई करना है तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाना है। अकाउंट देखें आपका क्रिएट हो गया, यहाँ पे वॉलेट नंबर टू कर लें बेशक आपकी मदद ये टू, ठीक है,
कंफर्म कर देते हैं हम इसको यहाँ से जाके। अब ये देखिए हमारा वॉलेट नंबर टू कनेक्ट है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है वॉलेट नंबर टू। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो हम ये जो हमारे पास थ्री लाइन ऊपर नजर आ रही है इसको कहते हैं हम सेटिंग लाइन, इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें वॉलेट नंबर टू आ गया। इसी तरह हम एक और वॉलेट भी क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आपको पता हो आप अनलिमिटेड वॉलेट जो है इस पर क्रिएट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने वॉलेट इसके ऊपर क्रिएट करना चाह रहे हैं। जनरेट पे क्लिक करना है, सेम फ्रेसिस पे कॉपी करना उसी तरह जिस तरह मैंने पहले कॉपी किया है, और यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे जो है इसको जो कर देंगे वॉलेट नंबर थ्री। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये वॉलेट नंबर थ्री के फ्रेसिस हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब हमने क्या करना है, सिंपल है, नेक्स्ट पे जाके क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे जाके हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो है फ्रेसिस आ रहे हैं, जो हमने फ्रेसिस को उसी तरह वन बाय वन जाके करना है। ओनर टर्न एंड इनवेलप और ये आ गए, नेक्स्ट आ गए हरी फिट सुप्रीम, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट पेट ऑलमोस्ट, नेक्स्ट आ गया काम। हम ये देखें हमने सारे मैच करवा दिए, मतलब हमारे पूरे प्रोसेस ये मैच हो चुके हैं। यहाँ से हमने जाके सिंपल जो है वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई इसलिए करना है क्योंकि हमें पता है कि हमारे फ्रेसेस जो हैं वो हमने जो इंटर किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। हम वेरीफाई करेंगे तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अभी देखें और यहाँ पे मैं जाके वॉलेट नंबर हमने टू लिखा था कि थ्री लिखा था, शायद टू लिखा था, हम यहाँ पे थ्री कर देते हैं। ठीक है, वॉलेट नंबर थ्री का दिया, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे वॉलेट वन वॉलेट टू वॉलेट थ्री दिया, ये आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे नाम कोई सा भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। नाम चेंज कर सकते हैं आप अपना मर्जी का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ और ये यहाँ पे देखें वॉलेट नंबर थ्री आ गई, ये लिखा हुआ आ रहा है ना वॉलेट नंबर थ्री, ये वॉलेट नंबर थ्री आपके पास आ गया। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो माई वॉलेट नंबर टू और माई वॉलेट नंबर थ्री, इस टाइम थ्री नंबर वॉलेट करेक्ट है। मैं हमने पहला वॉलेट भी क्रिएट किया है, पहला तो हमने जब किया था जब हमने अकाउंट बनाया था, सेकंड वॉलेट हमने तब क्रिएट किया अभी आपके सामने, थर्ड भी कर लिया। मैं और भी क्रिएट करता था लेकिन आप पे डिपेंड करता है ये आप कितने क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे मल्टीपल वॉलेट्स क्रिएट करने हैं लेकिन आपने बैकअप फ्रेसेस लाजमी सेव कर लेने हैं इनके, क्योंकि अगर आप बैकअप फ्रेसेस सेव नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, तो आप जो है कल को प्रॉपरली जो है अपने जो है वॉलेट्स को अगर रिकवर करना चाहें तो रिकवर नहीं कर पाएंगे। ओके, उम्मीद है कि आपको प्रॉपरली समझ आ गई। फिर भी कोई मसला है, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस पे bestcryptocurrencywallets@gmail.com और कमेंट्स भी कर सकते हैं बिलो दिस वीडियो। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द कमेंट्स को रीड करूं और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। एंड इफ़ यू नीड टू गेट सेम इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू कैन ज्वाइन माई अदर चैनल क्रिप्टो वॉलेट्स इन्फो। ओके, तो आप मेरे सेम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें अगर आपको इंग्लिश में इंफॉर्मेशन चाहिए तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में इस चैनल पे जाके मिलेगी। इशू नहीं है, फिर भी मेल करें, मैसेज करें, कमेंट्स करें, थोड़ा लेट रिप्लाई करूँगा लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगा और कोशिश करूँगा आपकी जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करूँ। मिलते हैं अपनी कल की नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।